हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मेरे चैनल का नाम है वर्षा ब्यूटी केयर। दुआ करते हैं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, और इस वीडियो की रिक्वेस्ट मेरे पास काफी टाइम से आ रही थी कि आप अपने बालों को टॉवल से ड्राई करते हुए दिखाइए। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं। और आगे बढ़ने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। और दोस्तों, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं, हेल्पफुल लगते हैं, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो बेल बटन है इसे प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपसे मेरी कोई भी आने वाली वीडियो मिस ना हो। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं। सो जैसा कि दोस्तों आपने मुझे बोला था कि मैं अपने हेयर्स को टॉवल से ड्राई करूं, तो बस अभी मैं वो आपको कर दिखाने वाली हूं। बालों को मैंने शैम्पू कर लिया है अच्छे से, और इस वक्त ये देखिए बाल अभी गीले ही हैं, मैंने टॉवल से रैप किए हुए हैं। तो चलिए फिर मैं अपने बालों को टॉवल से ड्राई कर दिखाती हूं। सो अभी मैं अपने बालों को ड्राई करूंगी टॉवल की हेल्प से। देखिए, दो बताना चाहती हूँ दोस्तों कि बालों में शैम्पू करने से पहले मैंने अपने बालों में रात भर ऑयल को लगाकर रखा था, ऑयल से मसाज की थी, और नेक्स्ट डे मैंने शैम्पू किया है। तो अभी मैं अपने बालों को टॉवल ड्राई करते हुए आपको दिखा रही हूँ। एक चीज आपको यहाँ पर बताना चाहती हूँ, छोटी सी टिप देना चाहती हूँ कि जब भी अपने बालों को आप वॉश करते हैं तो गीले बालों में कंघी ना करें, और बालों को जोर जोर से इस तरह से रगड़कर ना पहुंचे। इससे क्या होता है कि हमारे जो रूट्स होते हैं वो कमजोर होकर टूटने लगते हैं, बालों की जड़ें कमजोर हो जाती हैं, इससे आपकी हेयर फॉल की प्रॉब्लम भी बढ़ सकती है। मैं एक टिप और देना चाहती हूँ, कुछ लोगों को मैंने देखा है कि बालों को जोर जोर से इस तरीके से छटक झटक कर साफ कर दें, ऐसा मत कीजिए। इससे भी बालों की जो जड़ें हैं वो कमजोर हो जाती हैं और बाल टूटने लग जाते हैं, तो ऐसी गलती ना करें। एक गलती और हम करते हैं कि जब भी हम बालों को वॉश करते हैं ना, तो बालों को जोर जोर से रगड़कर इस तरीके से पोंछते हैं ऐसे ऐसे करते हुए, तो ऐसी गलती ना करें। हमेशा बालों को इस तरीके से पोंछिए, क्योंकि ऐसे करने से क्या होता है कि हमें दो मुहे बालों की समस्या हो जाती है और जो बहुत ही बेकार दिखते हैं आपके बाल, तो इसलिए ऐसी गलती ना करें। हमेशा हल्के हाथों से सिर्फ इस तरीके से पोंछे। तो ये देखिए, आधे से ज्यादा मेरे बाल जो है वैसे सूख चुके हैं। तो ये देखिए, बाल काफी सूख चुके हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अभी मेरे बाल सूख चुके हैं और आप देख सकते हो। तो चलिए मैं अपने बालों में कॉम्ब कर लेती हूँ। सो ये देखिए दोस्तों, मैंने अपने बालों में कॉम्ब भी कर लिया है, बाल सूख चुके हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई हो, और पसंद आए तो प्लीज फ्रेंड्स मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा,
और कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों कि आपको मेरे ये आज का वीडियो कैसा लगा। और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर भी। मैं आपसे मिलती हूँ और भी अमेजिंग सी वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।